और आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात के कच्छ में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास मौजूद हैं। रंगारंग यहां पर कार्यक्रम होने वाला है, गुजराती संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम चीजें यहां पर, कई तरह के कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री आज, आपको हम बता दें कि अलग अलग तीन परियोजनाओं का आज यहाँ पर भूमि पूजन वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट का भी भूमि पूजन यहाँ करेंगे। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री कच्छ के मांडवी में लगने वाले डिसलिनेशन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। बचाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने में जिसने दुनिया का नेतृत्व किया है और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को रियलिटी बनाने की दिशा में जो निरंतर प्रयत्नशील है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, भाजपा गुजरात के अध्यक्ष और सांसद माननीय श्री सी आर पाटिल जी, मांडवी के डिसेलिनेशन प्लांट के आधारशिला स्थल पर उपस्थित गुजरात के वाटर सप्लाई मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावड़िया जी, प्रवासन मंत्री श्री जवाहरभाई चावड़ा जी, गुजरात के गृह और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री प्रदीपसिंह जाडेजा जी, गुजरात के सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के कल्याण मंत्री श्री वासनभाई आहिर जी, सांसद श्री विनोदभाई चावड़ा जी, सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, देवी और सज्जनों, आज गुजरात की धरती पर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और डिसेलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखने के समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे प्रधानमंत्री भारत में सौ क्रांति के जन्मदाता है। उनकी दीर्घदृष्टि और साहस के बिना देश में बहुत कम समय में 36,000 मेगावाट से अधिक विशाल सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना संभव नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि वर्ष 2009 में पूरे देश में सौर ऊर्जा के विषय पर किलोवाट में बात की जाती थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।